मेरे जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। केंद्र सरकार गुंडागर्दी करके हमको कुचलने की कोशिश कर रही है। वो देश के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने गिरफ्तार होते समय भी सत्ता छोड़ना उचित नहीं समझा। ऐसी बातों के लिए मुझे दुख नहीं होता। कानून के तौर पर कानून देखेगा, सरकार देखेगी। नमस्कार, टाइम्स 7 और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी है राजधानी दिल्ली के ईडी हेडक्वार्टर के ठीक बाहर, और अब से करीब 2-2.5 घंटे पहले इसी रास्ते से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम लेकर गई थी राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां पर उनकी रिमांड पर सुनवाई हो रही है। और अब से थोड़ी देर बाद कभी भी फैसला आ सकता है। ईडी की ओर से काउंटर रिप्लाई जो रिजॉइंडर में है वो दायर किए जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, और बड़ा सवाल ये कि खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाली आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता जो ये कहते रहे हैं कि अगर वो बेईमान तो दुनिया में फिर कोई ईमानदार नहीं हो सकता है, आज वो क्या जेल जाने की दहलीज पर खड़े हैं? क्या उनकी रिमांड देने वाली है राउज एवेन्यू कोर्ट? ईडी की ओर से 10 दिनों की रिमांड मांगी गई है। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, और जैसे ये फैसला आता है हम सीधे राउज एवेन्यू कोर्ट का भी रुख करेंगे। लेकिन इस बीच सुनवाई के दौरान बहुत सारी बातें ईडी की ओर से रखी गई हैं, बहुत सारे मजबूत दावे रखे गए हैं। ईडी ने पूरे घोटाले का कच्चा चिट्ठा कोर्ट के सामने रखा। ईडी ने बताया कि घोटाला सिर्फ 100 करोड़ का नहीं है, ये मामला 600 करोड़ तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। ईडी ने यह भी बताया कोर्ट के अंदर कि पैसों का लेन देन किस तरीके से हुआ, पूरा मनी ट्रेल कैसे ऑपरेट करता है, कैसे चेन्नई से पैसे दिल्ली आए और दिल्ली से फिर कैसे पैसे गोवा तक पहुंचे, किस तरीके से हमारा रैकेट का इस्तेमाल किया गया है, किसने किसको कितने पैसे दिए, इसका पूरा चिट्ठा कोर्ट के सामने रखा गया। ईडी ने कोर्ट में यह भी दो टूक कह दिया कि इस पूरे शराब घोटाले का असली मास्टरमाइंड और किंगपिन अगर कोई है तो वो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। यह भी सच है कि एंटी करप्शन के नारे को, यानी भारतीय इतिहास में एक ऐसी पार्टी जो आंदोलन से निकली वो एंटी करप्शन के नारे के साथ राजनीति में आती है, लेकिन आज वो खुद इसके घेरे में है और आज खुद अरविंद केजरीवाल पर करप्शन के बेहद गंभीर आरोप है। इसी तरीके से उनकी पार्टी के दूसरे नेता जो कि राज्य सरकार में ओहदे पर रहे हैं, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से जेल में है, संजय सिंह सत्येंद्र जैन को भी जमानत मिल नहीं पा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता आज भी कट्टर ईमानदारी का ढोल पीट रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। आपसे थोड़ी देर पहले केजरीवाल के घर तक उन्होंने मार्च किया है। कोर्ट में पेशी के दौरान जब केजरीवाल से पूछा गया कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि उनका जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे अंदर रहें या फिर बाहर। लेकिन उनके मंत्री लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार तानाशाही कर रही है। सुनिए, मेरे जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर मेरे जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर मेरे जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर मेरे जीवन पूरी तानाशाही है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे, ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है, जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। दुनिया के अंदर नंबर 1 ट्रेंड आई स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इससे बात साफ है कि लोग व्यथित हैं, लोग दुखी हैं, किस तरीके से केंद्र सरकार गुंडागर्दी करके हमको कुचलने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, कोर्ट में सुनवाई उनकी रिमांड को लेकर चल रही है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि जो लोग ईमानदारी की बात करते थे, जो ये कहते थे कि आरोप लगे तो पद छोड़कर जांच करवा देनी चाहिए, वो गिरफ्तार होने के बाद भी सत्ता नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। सुनिए, मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने भारत की राजनीति में कई गहरे प्रश्न खड़े कर दिए। वो देश के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने गिरफ्तार होते समय भी सत्ता छोड़ना उचित नहीं समझा।
अर्थात वो इस विषय में श्री लालू प्रसाद यादव के आगे निकल गए। दूसरा गंभीर प्रश्न यह खड़ा होता है कि वो पार्टी है जो कहती थी कि हम देश में एक नई राजनीति लाएंगे ईमानदारी की, और स्वघोषित कट्टर ईमानदार का असली किरदार यह है कि न्यायालय के द्वारा याचिका खारिज होने के बाद भी हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे, ये उनका असली किरदार है। और तीसरा गहरा प्रश्न ये है, वो उस शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं जो नीति दिल्ली सरकार ने 2 वर्ष पूर्व लागू की थी और जांच गठित होते ही वह नीति विड्रॉ कर ली थी। इस बीच आज एक बड़ा बयान आया और उस बयान ने जो लोग अरविंद केजरीवाल या फिर अन्ना हजारे के साथ जुड़े हुए थे सोचने पर मजबूर कर दिया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की शुरुआत करने वाले समाज से भी अन्ना हजारे ने कह दिया कि उन्हें केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कोई दुख नहीं है। वो अन्ना हजारे जिनके साथ अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, जिनको पूछते थे, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। दुख नहीं होता, समाज के भलाई के लिए अच्छे काम के लिए जो हानि पहुंचती उसका दुख होता, क्योंकि मेरे सामने पूरा समाज और देश, ऐसी बातों के लिए मुझे दुख नहीं होता। कानून के तौर पर कानून देखेगा, सरकार देखेगी, सही होगा होगा। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूँ जिनके इर्द गिर्द की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि कट्टर ईमानदारी की पोल खुली, आगे क्या होगा। सवाल ये भी कि क्या अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले का असली मास्टरमाइंड है जो ईडी ने आज कोर्ट में कहा। ईडी ने गिनाए सबूत दिल्ली से गोवा तक, क्या ये 100 करोड़ नहीं जो अभी तक समझा जा रहा था, ये 600 करोड़ का मामला है क्या। सर जी जेल गए अगर तो आम आदमी पार्टी का क्या होगा, क्योंकि चुनाव सिर पर है। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूँ। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता मौजूद हैं। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। संजय मिश्रा और आकाश दीप मुनि पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनकी विचारधारा आम आदमी पार्टी की ओर है, यानी उसको ये लोग फेवर करते हैं। हमारे संवाददाता अनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अनुज का रुख कर लेता हूं। अनुज बताइए, अब से कितनी देर बाद राउस रेवेन्यू कोर्ट से रिमांड को लेकर फैसला आने वाला है और क्या सबमिशन इस वक्त चल रहे हैं। जी देखिए, दोनों पक्षों की तरफ से लगातार दलील जो है वो चल रही है। खासतौर पे सबसे पहले हमने देखा कि किस तरीके से ईडी की तरफ से दलील दी गई, उसके बाद केजरीवाल के वकील जो हैं उन्होंने दलील देना शुरू किया। ईडी ने इसका विरोध भी किया कि केजरीवाल की तरफ से 3 वकील जो हैं वो दलील दे रहे थे, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पर ये दलील दिया कि गिरफ्तारी पर ही उन्होंने सवाल उठाया। और खासतौर पर उन्होंने ये बात कही कि हाईकोर्ट में ईडी ने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल को शख्सियत के तौर पर बुलाया जा रहा है, न कि आम आदमी पार्टी, या जिस तरीके से आज ईडी ने कहा कि एक कंपनी की तरह ये पार्टी काम करती थी। वहीं दूसरी तरफ ईडी की तरफ से तमाम ऐसे एविडेंस, तमाम ऐसे सबूतों की बात कही गई जिसमें साफ तौर पर ईडी ने ये तक बता दिया कि इस पूरे जो पॉलिसी थी उसमें साजिशकर्ता किंगपिन के तौर पर अरविंद केजरीवाल को बताया गया, और बताया गया कि कैसे ये मामला सिर्फ 100 करोड़ के किकबैक तक सीमित नहीं था, बल्कि जो इससे मुनाफा कमाया गया उसको देखा जाए तो 600 करोड़ तक पहुंचता है। यानी साफ तौर पर उन चैट्स की बात कही गई जिससे ईडी का ये कहना है कि एस्टैब्लिश्ड होता है कि कैसे इस पूरे मामले में एक साजिश रची गई। वहीं अब जो ईडी की तरफ से दलील दी जा रही है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि रिमांड की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि इस मामले कोई अपडेट होगा आप इशारा करेंगे, पीसीआर मुझे इन्फॉर्म करेगा, मैं तुरंत आपके पास आऊंगा जैसे कोई लीड आती है या फिर कोई फैसला बड़ा रिमांड को लेकर अरविंद केजरीवाल की राउस रेवेन्यू कोर्ट से आता है तो मैं उधर का सीधे रुख कर लूंगा। अब मैं अपने मेहमानों की ओर जाता हूं। आकाश दीप मुनि जी, आपसे शुरुआत करता हूं, और पहला सवाल ये छोड़ दीजिए, आपको लग रहा है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, राजनीतिक साजिश है, तो अन्ना हजारे को तो कोई साजिश नहीं होगी ना, उनको कोई विद्वेष तो नहीं होगा अरविंद केजरीवाल से, वो आज ये क्यों कहने के लिए मजबूर हो गए कि भाई मुझे इस गिरफ्तारी का कोई दुख नहीं है, मैं तो मना करता रहा कि एक्साइज पॉलिसी मत बनाओ। अरविंद केजरीवाल के दिमाग में चढ़ गया था ये कि बनाना है, करना है इसे। देखिए राकेश जी, बाकी जो बातें आपने कही दिमाग में चढ़ गया था वो सब आपने खुद से ऐड किया है, वो अन्ना हजारे ने नहीं बोला था, ठीक है। तो काइंडली अपने से कुछ मत ऐड करिए, मैं भी फैक्चुअली बातें करूंगा। अच्छा। आज कि कल ईडी के जो लॉयर हैं राजू साहब, जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल भी हैं,
उन्होंने कोर्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी ना अरविंद केजरीवाल एक्साइज मामले में आरोपी नहीं है, ये उन्होंने कोर्ट में कहा, उसके प्रोसीडिंग्स में है। फिर रात को जाके उन्होंने अरेस्ट कर लिया, चलो अरेस्ट कर लिया, पर क्या ये जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, क्या ये सही है? जब हम फैक्चुअली देखते हैं तथ्य के आधार पे, तब ये सिलेक्टिव दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ना कि वो इम्पार्शियल नहीं है, वो किसी शख्स बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ये ऐसा दिखता है कि ना कि आप देखिए कोर्ट कहती है कि ना कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो भी प्रॉफिट बनाया गया है, वो आज राजू जी कहते हैं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वाज नॉट ओनली 100 crore ब्राइब बट आल्सो द प्रॉफिट्स मेड बाय ब्राइब पेयर्स, जो भी ब्राइब पेयर्स ने प्रॉफिट्स बनाए हैं वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ठीक है, मतलब ना कि वो घोटाले का पैसा, चलो इसको मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए। तो उन्होंने एज एन एक्यूज्ड पिनाकी शरद चरत चंद्र रेड्डी को, जो अरोबिंदो फार्मा के ओनर हैं, उनको अक्यूज बनाया। शरद चंद्र रेड्डी ने 40 करोड़ रुपए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन दिया अरेस्ट के बाद। ना रुकिए, इंटरप्ट मत करिए, बहुत इंटरेस्टिंग थी क्रोनोलॉजी बताऊंगा आज। 10 नवंबर को रेड्डी को अरेस्ट किया जाता है ईडी के द्वारा। 15 नवंबर को वो भारतीय जनता पार्टी को 5 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के थ्रू देते हैं। फिर 1 जून को उनको अप्रूवर बना दिया जाता है। अप्रूवर मतलब में कि उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और गुनहगार के क्राइम जी, आप जो इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, आपको लग रहा है ये बॉन्ड में घपला उपला है तो जाइए कोर्ट में भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि जाइए कोर्ट में। और अगर अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में निर्दोष हैं तो 9 summon पर क्यों नहीं गए? आपने कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल क्यों नहीं फॉर्म की? कल कोर्ट ने आपको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया कि आप जाइए, हम आपको प्रोटेक्ट करते हैं कि आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी? अन्ना हजारे ने क्या कहा, आप उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है? अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मैं अगर बेईमान हो गया तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं हो सकता है, आज उन्हीं पर गंभीर आरोप है। वो ये कहते थे ताल ठोकर शीला दीक्षित का नाम लेकर, सोनिया गांधी का नाम लेकर जांच करा दीजिए, उठाकर पकड़ के इनको कस्टडी में लेकर पूछताछ करिए, लेकिन आज उनसे पूछताछ ना हो उसके लिए हरत कंडे अपनाए जा रहे हैं। देखिए देखिए पांडे जी, मैं इंटेलेक्चुअल बंदा हूँ, इंटेलेक्चुअल बातें ही कर सकता हूँ। मैं आपको 2-3 फैक्ट और बताना चाहूंगा कि ना कि अन्ना हजारे वकील नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं है। नहीं नहीं आकाशदीप, आप यहाँ पर सभी इंटेलेक्चुअल बैठे हैं, अकेले आप इंटेलेक्चुअल नहीं बैठे हैं, मैं भी उतना ही हूँ, आप भी उतना ही हैं, शिवम त्यागी भी उतना ही हैं, संजय भी उतना ही इंटेलेक्चुअल हैं, अवधेश जी भी उतना ही इंटेलेक्चुअल हैं। तो फैक्चुअली बात करिए ना, तो बाकी यहाँ पर कोई सड़क छाप नहीं बैठा हुआ है, तो फैक्चुअली बात करिए। तो मैंने अरे मैंने क्या क्या फैक्ट बात कही, क्या अरविंद केजरीवाल ने ये सारी बातें नहीं कही जो मैंने कोर्ट किया है? मैं आपको काउंटर करता हूँ। कल आपने बोला कि ना कि कोर्ट ने उनको उनकी जो अर्जी है वो खारिज कर दी, गलत। उन्होंने अर्जी खारिज नहीं की, उन्होंने तारीख दी है, 22 अप्रैल की तारीख। मैंने ये नहीं कहा खारिज की। अरे सुनिए आकाश जी, यही आप फैक्चुअल बातें नहीं करते हैं, यही इंटेलेक्चुअल बातें आप नहीं कर रहे हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि खारिज कर दी, मैंने कहा प्रोटेक्शन नहीं दिया गिरफ्तारी से, मैंने ये कहा खारिज करने की बात मैंने नहीं कही। तो सर इंटेलेक्चुअल बात ये करनी होती है कि किसी को मिसकोट नहीं किया जाता है। चलिए आ रहा हूँ आपके पास। नहीं नहीं मैं कोई पर्सनली अटैक नहीं कर रहा हूँ, आपने कहा था कि इंटेलेक्चुअल डिबेट करता हूँ, तो इंटेलेक्चुअल यही होता है कि किसी को मिसकोट मत करिए। मैंने कभी ये नहीं कहा कि खारिज किया, मैंने कहा गिरफ्तारी से तो प्रोटेक्शन नहीं दिया, खारिज करने की बात मैंने नहीं कही है। शिवम त्यागी ने कहा कि ना कि अरविंद केजरीवाल के समन्स पे जो उन्होंने अर्जी दी उस पर रिप्लाई दे, क्या रिप्लाई दिया उन्होंने? रिप्लाई देने से पहले उन्होंने अरेस्ट क्यों किया जब मामला सब जुडिस है? सोचिए थोड़ा सा कि क्यों सब जुडिस मामले पे अरेस्ट किया जाता है। अरे और आज कोर्ट में, फिर आप बात नहीं समझ रहे हैं भाई, आप मेरे कल, अच्छा चलिए शिवम त्यागी, शिवम त्यागी ये कल इसीलिए तो कोर्ट गए थे ना कि भाई हमको प्रोटेक्शन दे दीजिए, हम पेश हो जाएंगे, हम पर कार्रवाई ना हो, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि मामला सब जुडिस से ठीक है, लेकिन प्रोटेक्शन तो नहीं मिला ना जिसके लिए गए थे, बल्कि अलबत्ता पूछ लिया गया था कि भाई आप बैक टू बैक सम्मन क्यों दे रहे हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं कर लेते, ये तो कोर्ट की ओर से पूछ लिया गया। शिवम त्यागी, मैं कल के कोर्ट का रिमार्क पढ़ देता हूं। कोर्ट कहता है, वी हैव हर्ड बोथ द साइड्स, हाउएवर एट दिस स्टेज वी आर नॉट इंक्लाइंड टू पास एनी ऑर्डर
अ डिविजन बेंच कॉम्प्रोमाइजिंग जस्टिस सुरेश कुमार कैथ एंड जस्टिस मनोज जैन. मीन्स दोनों तरफों को, दोनों साइड्स को सुनने के बाद हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम कोई भी ऑर्डर इस समय इस स्थिति में नहीं दे सकते हैं, तो जो चीजें हैं उनको प्रोसीड किया जाए. खैर इंपॉर्टेंटली ये तो एक चीज हो गई, तो प्रोटेक्शन मिली नहीं तभी ईडी उसको उनको उठाकर ले गई है. अब इसके आगे अभी जो फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, एएसजी ने कहा है कि देयर इज अ कंक्रीट एविडेंस टू शो देयर इज अ स्कैम एंड फ्रॉड, द एक्साइज पॉलिसी वाज चेंज्ड टू फंड गोवा इलेक्शंस फॉर आप. इसको छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में अभी जो है मनीष सिसोदिया कुछ दिन पहले बेल लेकर आए थे, बेल के लिए गए थे जो रिजेक्ट हुई, उसमें टिप्पणी है डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज ने क्या दिया है. Secondly, it has been submitted by the DOE that AAP has a trust and a person under Section 2, Subsection AS of PML Act, being juristic person, it acts through natural persons. The assertion made is that a portion of proceeds of crime were used for purpose of the artificial judicial person to fund the elections in Goa. और 10 सेकंड और दे दीजिएगा. इसमें एक और पैरा है, पैरा नंबर 12, और ये कहता है कि there is an assertion and the Department of Excise has relied on the evidence and material that is a portion thereof that 45 crore rupees was transferred through hawala for the Goa elections and used by AAP. मतलब 100 करोड़ रुपया जो उठाया गया था, जो लिकर स्कैम से लिया गया था, उसको गोवा में इलेक्शन लड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें से 45 करोड़ रुपया हवाला के तहत गया. और ये सारी डिटेलिंग डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज ऑलरेडी जब मनीष सिसोदिया की बेल अपोज हुई थी उसमें सब कुछ कोर्ट में दे चुका है, और ये उसका जो बेल रिजेक्शन हुआ है उस ऑर्डर में है ये सारी चीजें. कृपया करके इस देश को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए. हालात ये है कि सही बात है, कॉर्पोरेट शिवम मैं आ रहा हूँ. इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि कोर्ट की ओर से रिमांड पर फैसला भी सुरक्षित रखा गया है, ऑर्डर रिजर्व किया गया है. इस वक्त की बड़ी खबर है राउज एवेन्यू कोर्ट से, दलीलें पूरी हुई है और उसके बाद अब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर. आगे और क्या कहा गया है, फैसला कब आएगा, इसको लेकर कैसे जानकारी आती है, हम दोबारा आपके पास आएंगे. हमारे संवाददाता अनुज वहां पर मौजूद हैं. अनुज, अनुज क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? विचारण अनुज, अनुज बताइए, ऑर्डर रिजर्व रखा गया है, कब तक के लिए, कब फैसला आएगा? दोनों पक्षों की जीरा चल रही थी, अब जी देखिए फिलहाल फैसला जो है सुरक्षित रखा गया है. निश्चित तौर पर थोड़ी देर में ही कोर्ट की तरफ से अब फैसला आएगा, क्योंकि दोनों तरफ की जो दलीलें थी वो पूरी हो चुकी हैं. अरविंद केजरीवाल के वकील जो दलील दे रहे थे उसको लेकर जो उसके बाद एएसजी राजू ने फिर उसके बाद भी दलील दी, और उन्होंने कहा कि हमें रिमांड इसलिए चाहिए क्योंकि तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो थे वो नष्ट कर दिए गए थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की तह तक पहुंचना मुश्किल है. इसीलिए हमें रिमांड की जरूरत है ताकि पूछताछ कर इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ी जा सके. ये दोनों पक्षों की जिरह जो है वो दलील पूरी हो चुकी है, और अब कोर्ट की तरफ से फिलहाल फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है, और थोड़ी देर में ये फैसला आएगा कि अरविंद केजरीवाल को लेकर कोर्ट क्या फैसला अपना सुनाती है. जी ठीक है, गौरव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि अंदर कोर्ट रूम में मौजूद है. गौरव बताइए क्या क्या कहा गया, फैसला सुरक्षित रखा गया है, कितनी देर में फैसला, कितनी देर और इंतजार करना होगा, क्योंकि जो एलिगेशन थे, जो सबमिशन थे वो तो पूरे हो चुके हैं. बिल्कुल, देखिए इस मामले में जो ईडी की याचिका थी केजरीवाल के रिमांड लेने पर, फिलहाल उस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित ले लिया है. अभी कोर्ट की तरफ से इसके लिए समय नहीं निर्धारित किया गया, लेकिन अमूमन इनमें आधा पौना एक घंटा जो है वक्त लग जाता है. लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है दलीलें ईडी की तरफ से रखी गई. ईडी ने साफ साफ कहा है कि जो यहाँ पर आरोपी हैं यानी कि अरविंद केजरीवाल, वो ये नहीं तय करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी की जरूरत कब है. ये सब कुछ जांच अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि उसे कब गिरफ्तार करना है. इसके अलावा ये भी कहा गया, क्योंकि उनकी भूमिका सामने आई है. ये भी बोला ईडी ने कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि घोटाला और धोखाधड़ी भी है, और आपके लिए गोवा चुनाव के लिए ही इस पूरी शराब नीति में बदलाव किए गए थे. हालांकि आम आदमी पार्टी
यानी अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी है और ईडी जिस तरह से इसे सही ठहराने में लगी हुई है, इससे समझा जा सकता है कि उनके इरादे क्या हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के वकील जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ये पूरी बहस है वो आम आदमी पार्टी को लेकर ना हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी के द्वारा ही चुनाव में इन फंड का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अभी तक जो किकबैक लेने का आरोप था वो अरविंद केजरीवाल पर व्यक्तिगत तौर पर लग रहा था, लेकिन अगर ये आरोप की जो जांच है वो आम आदमी पार्टी तक पहुंचती है, यानी कि उसने इन हवाला के पैसों का इस्तेमाल किया गया है, तो जाहिर तौर पर पीएमएलए एक्ट के तहत यानी कि हवाला के आरोपों में आम आदमी पार्टी के खिलाफ। ठीक है गौरव, मैं आपके पास आऊंगा, ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले अवधेश जी, चंद्रमोहन जी, ब्रेक के बाद आपसे मैं शुरू करूंगा, क्योंकि कई सारी बातें हैं, उन बातों को सुनाकर आपसे बातचीत करना जरूरी है। अवधेश जी, एक टिप्पणी आपके, जितने गंभीर आरोप लगे, 100 नहीं 600 करोड़, आम आदमी पार्टी नहीं, एक कंपनी की तरह भी है की अरविंद केजरीवाल किंगपिन है, तमाम बातें। देखिए राकेश पांडे, मेरे लिए जैसे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी एक दुखद दिन थी, वैसे ही अरविंद केजरीवाल की भी है, क्योंकि एक व्यक्ति जो एक समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर से देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध हीरो बन के उभरा, जिसको देश ने माना कि अन्ना हजारे के अभिभावकत्वों में एक नेता उभरा है, जिसके पास एक टीम है, जिसमें लड़ने का मादा है, जो देश में बदलने का साहस रखता है, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अगर इंडिया इन करप्शन के तहत उसका अंत हो रहा है, तो इससे दुखद और इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन इस समय कल जो है, जो हाई कोर्ट में जब जज ने, जज के सामने केजरीवाल जी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम इसलिए बार बार समन के बावजूद एपीयर नहीं हो रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। अवधेश जी, मैं आपको रोकता हूं ब्रेक के बाद, और एक और बात है कि ये विश्वास का संकट भविष्य के लिए, ये सवाल मैं आगे आपसे पूछूंगा कि भाई लोग दूसरी पार्टियों पर विश्वास करेंगे क्या, जो किसी आंदोलन से निकलेगी, इस तरीके के वादों से अस्तित्व में आएगी, ये भी एक संकट है भविष्य के लिए। आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी लगातार बड़ी खबर पर बने हुए हैं, अरविंद केजरीवाल के रिमांड को लेकर फैसला सुरक्षित रखा है राउज रेवेन्यू कोर्ट ने, आपसे थोड़ी देर बाद कभी भी ये फैसला आ सकता है कि रिमांड दी गई है, कितने दिनों की दी गई है, क्या है ये फैसला, जैसे ये बड़ी खबर आती है सीधे हम राउज रेवेन्यू कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन मैं बाकी मेहमानों का रुख करता हूं। सबसे पहले चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आपको जवाब देने का मौका देने से पहले मैं आपको एक बयान सुनवाना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि शायद सोशल मीडिया पर तो लोग इसे शेयर कर ही रहे हैं, देश के लोगों को एक बार फिर रिकॉल करने के लिए अजय माकन का यह बयान जरूर सुनना चाहिए। शराब का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है, लिकर स्कैम सीधे सीधे अब यह एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत, और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से, बिजनेसमैन से बात कराई गई, और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ा करके 12% कमीशन ये करी गई, और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा, और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शन के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया। कांग्रेस ने सारे कुकर्म किए, कोयला खा गई, लोहा खा गई, टूजी खा गई, और आगे कर दिया मनमोहन सिंह को, कुछ नहीं बोलता मनमोहन सिंह, आगे कर दिया, साइन करा दिया फाइलों पे। तो चंद्रमोहन जी, आपने ये अपने नेता का बयान सुना होगा, दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता हैं और वो पहले तो गठबंधन के लिए खुलकर विरोध में थे। एक तस्वीर और आपको दिखा देता हूँ, 3/6/2022 का दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को ये लेटर लिखा था, और ये स्कैम जो है एक्साइज पॉलिसी में, इसको लेकर बड़ी चिंताएं जताई थी और कहा था कि इन्वेस्टिगेशन इस पर बड़े मसले गंभीर हैं, होना चाहिए। मेरा सवाल ये है चंद्रमोहन जी कि आज किस मुंह से ये कहा जा रहा है कि ये डेमोक्रेसी पर अटैक हो गया, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया। तो राकेश जी, आपके इस वीडियो के ऊपर वैसे तो मेरे मन और मेरे दिमाग ने एक वीडियो ढूंढा था जो मैं दिखाना चाहता था, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं, समय खराब हो जाएगा, लेकिन मैं याद जरूर जुड़ाऊंगा, क्योंकि आज देश के अंदर जो नेता की सत्ता है उसका नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 70,000 करोड़ रुपए की घोटाले की बात करें और उसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दें, नरेंद्र मोदी जी किसी भी एक नेता को भ्रष्टाचारी परिवारवादी कहें
और उसके अपने दल में साबित कर ले, तो आपका ये छोटा सा वीडियो आपको दिखाना शोभित नहीं लगता, क्योंकि ये एक ऐसी चाटुकारिता लगती है जिसे कोई एक दल खुश होता है देश खुश नहीं होता। अब आते हैं विषय पे। बिल्कुल हाँ, हम कहते हैं कि हमारी नहीं, चंद्रमोहन जी देखिए सवाल बहुत सीधा सा है, तो इसे चाटुकारिता का नाम दीजिए, कोई टैगिंग दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपके इन आरोपों को ऐसे झाड़ देता हूँ शर्ट पर जैसे धूल झाड़ देते हैं लोग। मेरा सवाल ये था, मान लिया आपके हिसाब से बीजेपी, आप कह रहे सबसे खराब पार्टी है, नरेंद्र मोदी सबसे खराब है इस देश के नेता, तो आप फॉलो करेंगे क्या, अनुसरण करेंगे क्या? क्या मेरा सवाल सीधा सा था कि अगर अरविंद केजरीवाल कल तक आपके लिए किंगपिन थे, कल तक 100 करोड़ की घूस उनको दी गई थी, तो आज आप उनके साथ खड़े होकर इसे डेमोक्रेसी पर अटैक क्यों बता रहे हैं? अगर बीजेपी खराब है जनता हिसाब देगी, अगर खराब है तो आपको खराब होने के लिए प्रेरणा मिल रही है क्या? और आप जैसा पत्रकार अगर कपड़े से ऐसे झाड़ दे, तो मेरे जैसा नेता आप जैसे पत्रकार को फूंक से उड़ा देता है, अगर जिसमें दम ना हो सुनने का, क्योंकि आपने बात कही। आपके एलिगेशन तो आपको मैंने नहीं कहा चंद्रमोहन जी, आपके इन आरोपों को टैगिंग को मैं झाड़ देता हूँ। आपके 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 अंदर ये चल रहा होगा कि मुझे उड़ा दे झाड़ दे, तो आप झाड़ते रहिए, मैं आपको नहीं, आप अच्छे भले आदमी है, लेकिन जो ये टैगिंग आप कर रहे थे उसकी बात मैं कर रहा था। मैं किसी की टैगिंग का कोई लोड नहीं लेता हूँ। अपना वक्तव्य रखूंगा कि नहीं रखूंगा, आप मेरे वक्तव्य से सुनने से पहले ही कलप रहे हैं, मेरे वक्तव्य तो सुन लीजिए। अब वक्तव्य क्या कहता है, वक्तव्य इस बात से नहीं, मैं कोई कलप नहीं रहा भाई, 1.5-2 मिनट आप नॉन स्टॉप बोले हैं चंद्रमोहन जी, फिर आप लेकिन टैगिंग से दूर रहिए। अभी शिवम त्यागी जी बोल रहे थे, आप बिल्कुल बत्ती बंद थी आपकी, आपकी बत्ती तभी जलती है जब विपक्ष बोलता है, आपकी बत्ती तब टिप करके बंद हो जाती है जब सत्ता पक्ष बोलता है। अगर आप जैसे पत्रकार बोलने लग जाए तो फिर ये चरित्रहरण ना हो ऐसे लोकतंत्र का। अच्छा, अरे कार्रवाई की बात कह रहा हूँ कि कार्रवाई ठीक है कि कांग्रेस पार्टी ने कही और कांग्रेस पार्टी ने के बयान हम उसके अगेंस्ट नहीं है। अब सुन लीजिए ना, मेरा हौसला सुन लीजिए, मेरा हौसला सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने उठाई, लेकिन हम लोकतंत्र के अंदर फिर भी जनतंत्र के साथ हैं कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को किसी भी तरह से एक डरा हुआ तानाशाह अगर दबाना चाहे तो उसकी वजह तानाशाह को बतानी चाहिए कि सहयोग है या प्रयोग, क्यों टाइमिंग लेट हुई, कंप्लेंट 6 महीने पहले हुई थी तो ठीक, इलेक्शन के मुहाने पे आने पर जब इंडिया गठबंधन के अंदर केजरीवाल जी आ जाते हैं तो क्या इंडिया गठबंधन के डर के कारण कार्रवाई हुई? क्या कल केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन छोड़ देते हैं तो केजरीवाल जी पाक साफ हो जाएंगे क्या? ऐसे कई नेताओं के साथ भाजपा टिक करा नहीं, कितने प्रमाण है ऐसे, अभी मैं गिनवाने लगूंगा तो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तो उसमें भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करा कर लिया। नहीं छोड़ेंगे, आपने उनको साथ ले लिया तब वो पाक साफ हो गए थे क्या? सवाल ये है चंद्रमोहन जी, अपने अपने हिस्से का सवाल का जवाब हर कोई इस देश में दे तो लोकतंत्र अपने आप सबसे ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, इस पर मैं अवधेश जी के पास भी जाऊंगा कि क्या इस देश में चुने हुए मुख्यमंत्री को स्कैम करने का अधिकार मिल जाता है क्या, सिर्फ इसलिए कि जनता ने चुनाव और वो मुख्यमंत्री बन गए? बिल्कुल गंभीर आरोप लगे तो क्या जाँच नहीं होनी चाहिए, क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि चुने हुए नेता है, हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हुई लेकिन उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। नहीं नहीं राकेश, संजय मिश्रा जी मैं आ रहा हूँ, एक संजय मिश्रा जी का भी ले लीजिए मैं ही अंत में आता हूँ। उसकी बात रखने और एक मुख्यमंत्री को रात के अंधेरे के अंदर उठा लेने का अधिकार लोकतंत्र के अंदर किसी सरकार को नहीं होता है, उसके लिए भी एक कार्रवाई की सीमा होती है। अगर 6 महीने की कार्रवाई के अंदर आप इलेक्शन के मुहाने पे आते हुए जब गठबंधन हो जाए 7 सीटों का और आपको हार नजर, चलिए ठीक है ठीक है, आपका मतलब तरीका गलत है तो मैं शिवम त्यागी से पूछ लूंगा कि भाई रात के अंधेरे में क्यों उठाया, दिन की दोपहर में क्यों नहीं उठवा दिया? मैं पूछ लूंगा शिवम त्यागी से, आपका ये सवाल मुझे ठीक लग रहा है, मैं पूछ लेता हूँ। लेकिन संजय भाई ये बड़ी गड़बड़ स्थिति है, आंदोलन से उपजी एक पार्टी, कहा कि कट्टर ईमानदार होना हमारा सबसे बड़ा स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है, जनता तो पूछ रही है कि क्या सचमुच में ये घोटाला हो गया क्या, जो राम मंदिर रामलीला परिसर से कहा करते थे कि लोग पूछते हैं कि कहीं आप भी तो नहीं गड़बड़ हो जाएंगे, घोटाले में नहीं शामिल हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक सवाल है आपका पांडे जी, ये कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज हैं और उनको सजा सुनाई जा रही है। सर ये बिल्कुल चंद्रमोहन जी के बात से मैं सहमत हूँ कि आप लोग इतना आगे चले जाते हैं बोलते बोलते, अरे ईडी का आरोप है साहब, ये ईडी ने आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी के संयोजक के ऊपर, दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर, अब उसको ढोल पीटना आपने आरोप कर दिया तो मैं आपसे काउंटर सवाल करता हूं, ईमानदारी से आप भी जवाब दीजिएगा फिर आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। आज के गृहमंत्री महोदय के ऊपर एक आरोप लगा था तड़ीपार का, वो सीबीआई का सामना किए, वो केस लड़े और कोर्ट से बरी हुए, उन्हें आप तड़ीपार मानते हैं क्या? आज आप उसे तड़ीपार मानेंगे क्या?
तो आज आरोप है पांडे जी, इतना घबराइए मत, आप लोग बेचैन मत होइए। सुन लीजिए, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। जब ये मसला उठा था तब देश की मीडिया में क्या चला था, नहीं चला था, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ। नहीं, आपकी बात में समझ में आ रहा है। मत उधर जाइए संजय भाई, मत उधर जाइए। सर सुन तो लीजिए, आपने, मैंने जो सवाल पूछा काउंटर सवाल मेरा गलत हो रहा बताइए। ये आरोप है, ये कोर्ट का फैसला नहीं है। जो ईडी ऐसे कह दिया वैसे कह दिया, 600 करोड़ अब दिखाए तो हम कब कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला है। सर आपके साथ हमने कभी कहा, मेरे पूरे बातचीत में मेरा एक सवाल या फिर मेरे इंट्रोडक्शन में कहीं था कि कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि अरविंद केजरीवाल दोषी है? आपने मुझे, हम बार बार कह रहे हैं, गंभीर आरोप है, हम बार बार कह रहे हैं सवालों का जवाब देना चाहिए, हम बार बार ये कह रहे हैं। अरे सर आपने सवाल किया था जवाब के लिए, पूरा बाद में काउंटर कर दीजिएगा। मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ बाद में काउंटर कर दीजिएगा। मैं ये बीच में आप सवाल पूछ रहे थे, चलिए आपको 30 सेकंड नॉन इंटरप्टेड देता हूं, कोई नहीं आएगा बीच में। आप सुन लीजिए पहले, आप दो चीजें यहाँ पे गलत कर रहे हैं। आपने डिबेट की दो चीजों को ठीक करिए। अरविंद के सॉरी अन्ना हजारे जी को आप बदनाम कर रहे हैं, उन्हें आप ये साबित करना चाहते हैं कि जब लीकर स्कैम जब वो कानून बन रहा था तो अन्ना हजारे उसके टच में थे जो उन्होंने मना किया। आप लोग किसी को भी बदनाम कर दे, बदनाम करने से पहले किसी व्यक्ति के बारे में उस न्यूज को समझिए। उन्होंने तीसरी बात, उन्होंने नहीं कहा अरविंद केजरीवाल जेल जा रहा है और ये स्कैम को उन्होंने मान लिया कि घोटाले में जा रहा है। उन्होंने कहा कि भैया यदि वो जेल जा रहे हैं तो कोई सामाजिक कार्यों में जाता तो मुझे दुख होता, उन पर यह आरोप है इसलिए जेल जा रहे हैं, कानून समझेगा। बिल्कुल फैक्ट बात है, यदि आरोप है आरोप। अरे तो और क्या होता है संजय भाई, वो तो खुलकर कह दिया कि गिरफ्तारी हुई तो दुख नहीं है, सारी बातों का सार है। आप अन्ना हजारे को नहीं मानते हैं तो मैं आगे कुछ नहीं कर सकता हूं। और नंबर दो बात है कि ये हमें मत समझाइए कि डिबेट का टॉपिक क्या रखना है, क्या सवाल रखना है किसी पार्टी के बयान को ज्ञान बनाकर। नव गठित चुनाव आयोग और उनके सभी अफसर थे, मैं संक्षिप्त में बता दूं आपको कि हमने क्या कहा। पहली बात कि ये बहुत ही गंभीर और व्यापक मुद्दा है, ये सिर्फ एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा व्यापक इसलिए है क्योंकि ये सीधा संबंध रखता है भारत के संविधान के मूल ढांचे से, जिसको आप बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मूल ढांचे का जो पूरा कानून है वो ये कहता है, बड़ी बहुत अनूठी बात है भारत के बारे में, कि अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन मूल ढांचे के विरुद्ध है तो संवैधानिक संशोधन भी असंवैधानिक करार किया जा सकता है। अब इसको हमने कैसे पक्ष रखा, जब आप इस प्रकार की चुनाव के लिए जो एक समतल जमीन आवश्यक है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है, समतल जमीन, उस समतल जमीन को आप बदल देते हैं, उसको समतल नहीं रहने देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज द्वारा, तो उसका सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उसका सीधा दुष्प्रभाव आगे पड़ता है गणतंत्र लोकतंत्र पे, डेमोक्रेसी और स्वतंत्र। ठीक है, तो ये नेता जो गए थे चुनाव आयोग से मिलने उसके बाद वो क्या कुछ कह रहे हैं वो हमने आपको सुनवाया। अब शिवम त्यागी एक आखिरी जवाब 30 सेकंड में दीजिएगा कि भाई ये बड़ा ऑब्जेक्शन है, रात वात में गिरफ्तारी क्यों गई, दिन की दोपहर में करवा ली, ये कोई तरीका है? मैं तो बैठा हुआ हूँ, एक लाइन बुलवाए, कुछ बुलवाए ही नहीं, डिबेट आपका खत्म हो रहा है। बात 30 सेकंड अवधेश जी के हो गए, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसमें पार्टी नहीं है, विषय बहुत साफ है। सबसे पहले सत्येंद्र जैन हवाला के केस में अंदर है, अभी तक उनको बेल नहीं मिली है। अभी पिछले दिनों जो इंटरिम था वो भी खत्म हो चुका है, कहीं ना कहीं वो जेल में है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया के विषय में भी कोर्ट ने कई बार टिप्पणी करी है और टिप्पणी कर कहा है कि ही इज द की कॉन्स्पिरेटर, ऐसा अभी तक लगता है, प्राइम एफएसआई है और उनको बेल नहीं दी जा सकती। इसके अलावा संजय सिंह भी अंदर है, उन पर भी 2 करोड़ रुपए की जो ब्राइब है वो लेने के सारे सबूत जो है ईडी ने दिए, उनको भी बेल नहीं मिली। आज केजरीवाल पहुंच गए, बीजेपी क्या कहती है छोड़ दीजिए, आज तक कांग्रेस भी यही कहती थी कि घोटाला हुआ है, कांग्रेस भी यही कहती थी कि ब्राइब हुई है, 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, हमारे खिलाफ गोवा में चुनाव लड़ा गया, पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टियां कहती थी इस बात को। त्यागी जी ईमानदारी से कमाल की बात हो गई, क्यों नहीं आप बता दो, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, अरे बेल इसलिए जनता को बताइए, बेल क्यों नहीं, मैं क्यों कहूं, आप बताइए, कोर्ट कहेगा, कोर्ट पर दे रहा हूं, कोर्ट पर दे रहा हूं, कोर्ट ने आप शिवम त्यागी क्या कह रहा है छोड़ दीजिए, कोर्ट क्या कहता है पढ़ दूं, आप सुनिए ना प्लीज, सबसे कम उन्होंने ही बोला है, उनके साथ ना इंसाफी हो गई। अवधेश जी एक आखिरी टिप्पणी, आपकी कंक्लूजन, चुने हुए मुख्यमंत्री को पकड़ लिया गया।
हो गई तो क्या अधिकार हो गया गंभीर आरोप हो गया तो जांच नहीं होनी चाहिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ऑर्डर देना नहीं देना आपके हाथ में है बिल्कुल नहीं। अरे रुकिए रुकिए शिवम आप रुक जाइए सभी अभी सिर्फ अवधेश जी की आवाज आने जा रही है नहीं मिल रहा क्योंकि नहीं मिला है चिल्लाने से बेल नहीं मिल रहा आपने कहा मतलब आप यहाँ मेजर परेशानी यही सर यही जनता कोर्ट में जाकर चिल्लाएंगे तो ऐसे वोट मिलेगा नहीं सीधा क्लियर है तो सारे विषयों में सारे मामलों में आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को बेल ना मिलने का एकमात्र कारण है प्राइम ऑफ एसआई। चलिए वक्त इतना ही माफी के साथ अवधेश जी आज आपको सबसे कम समय मिला दोबारा इसको किसी दिन कंपनसेट कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी काम से जुड़ने के लिए लेकिन इस बड़ी खबर पर